गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केजीआर क्रिएशंस। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, पुराने हमारे पास बहुत से बॉक्सेस रखे थे टीवी फ्रिज के कार्डबोर्ड से, एक प्यारी सी अलमीरा। चलो स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले हमने टॉप बनाया है, अलमीरा का साइज़ जितना है 16x24 की हमें ऊपर टॉप की साइज़ लेना है, तो हमने उतने कट कर लिए। ये ऑलरेडी मैंने फोर पीसेस कट किए हैं, टू टू एक साथ स्टिक कर लिए हैं। आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए आप उतनी बड़ी अलमीरा बना सकते हैं। इसके बीच में मुझे एक स्लाइडर बनाना है, तो उसके लिए गैप करने के लिए ये स्लाइडर बनाया है मैंने, मिड स्लाइडर 12x17 का। और ये 1 इंच की एक पट्टी ली है, जिसे इजीली बिल्कुल सेंटर में इसे इस तरह से स्टिक कर दूँगी। ये मैंने हॉट गन ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर दिया है। अब ये बहुत ईजीली स्लाइड हो पाएगा, हम इसे ईजीली पकड़ पाएंगे और ये पूरी तरह से अंदर भी नहीं फिट होगी। ये देखिए स्टिक हो गई है, ये मैंने हॉट ग्लू गन की हेल्प ली है, मैंने अमेज़न से मंगाई थी। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अभी हमने हाफ हाफ इंच की पट्टी ली है कार्डबोर्ड की, जो इस तरह से स्टिक किए से इसमें गैप हो जाए और हम इजीली स्लाइड कर पाएँ। इसको पूरी तरह से तीन साइड में पेस्ट करेंगे। ऐसे ले लिया, ये बैक साइड में हमने अच्छे से इसे स्टिक कर देंगे हॉट ग्लू गन की हेल्प से। हॉट ग्लू गन से बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। देखिए अब इसको हम आराम से इजीली स्लाइड कर पाएंगे। अभी तीनों साइड हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। आप भी बनाइए, अच्छा लगेगा और आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि ओल्ड कार्डबोर्ड, ये जो हम हमेशा फेंक देते हैं, ये भी इतना अच्छा यूज़ हो सकता है इनका भी। और प्लीज़ अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट मी, इससे मैं आके भी और अच्छी अच्छी आपके लिए इस तरह की वीडियोस वगैरह बना सकूं, से आप भी अपने घर को बहुत इजी और अच्छे से सजा सकें। इसे बनाना बहुत इजी है। इस तरह से आप इस पर पेस्ट करते जाइए। देखिए हमने उसको अच्छे से पेस्ट कर लिया उन दोनों पीसेस को, और बीच में उसके एक पट्टी स्टिक कर दी थी स्लाइड इजीली हो। अब हम पतली पतली हाफ हाफ इंच की पट्टी हम कट करेंगे। देखिए हमने पूरी कट अच्छे से कवर कर दिया, ये स्लाइडर भी हमारा इसमें फिट कर दिया। अब हम रेडी करेंगे बॉक्सेस, इसमें हम स्टोरेज बॉक्सेस बनाएंगे कुछ ही। हमने 10x20 इसका एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है, इसमें 5x5 इंच हम दोनों साइड में देंगे और 10 इंच सेंटर, तो टोटल 20 हो गया। 10 इंच इसकी चौड़ाई हमने ली है। अब 5x5 इंच के हम ये साइड के लिए भी कटिंग कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मेरे एसी का, टीवी एंड फ्रिज सभी के कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखे हुए थे, ये हमने कट कर लिया। अभी बीच में हम इसी तरह से इसे
हॉट ग्लू गन की हेल्प से इजीली। इस तरह से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए हमने टोटल इस तरह के हम 6 बॉक्सेस रेडी करेंगे। या मेरे को 6 बॉक्सेस का स्टोरेज बॉक्स बनाना है, 3 वन साइड एंड 3 अनदर साइड। देखिए हमने 2 बॉक्सेस रेडी किए। एक मेरे पास ये फर्स्ट ट्राई का बॉक्स पड़ा था, उसको भी मैंने ले लिया, वो सेम साइज़ का ही मिल गया। तो बस बेस उसका स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने एक 10x10 का एक वो कार्डबोर्ड कट करके उसके बीच में फिट कर दिया। अब ये 7x10 का जैसे कि आगे का थोड़ा बड़ा स्लाइड, उसे खींचना बहुत पुल करना बहुत इजी हो, ये हम लेंगे थोड़ा हैवी भी हो जाएगा। मैं 7x10 इंच का लिया। अब इसको हॉट ग्लू गन की हेल्प से हम इसके फ्रंट पोर्शन पे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे जैसे कि हमारे स्टोरेज बॉक्सेस रेडी हो जाएँ। देखिए हम सारे स्टोरेज बॉक्सेस पे ऐसे ही करेंगे। ये टोटल हम अच्छे 6 रेडी करेंगे। मैं थोड़ा इसकी वीडियो बनाना रह गया था। मैंने किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है इसका पूरा है, इसका मैंने मेज़रमेंट का साइज़ लिख रखा है। अगर फिर भी कोई आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल दे दूँगी। कुछ इस तरह से मैंने 2-2 पीस, एक एक के 2-2 पीस लिए, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है। इसका सबसे बैक पार्ट जो आपको दिख रहा है वो मैंने लिया है 22x42 इंचज़ का। ये मेरे पास अभी मेरे फ्रिज में बैक साइड आई थी ये, उसको प्रोड करने के लिए, तो ये उसका मैंने यूज़ कर लिया थोड़ा डिज़ाइनिंग पर्पज़ से। अब ये ऊपर का पोर्शन, ये बीच में 3 मुझे स्टोरेज बॉक्सेस बना दिए, ऊपर का ऐसे ही एज इट इज़ कवर करना है, तो ये कवर कर लिया। मैंने पूरा कंप्लीट करके हैवी थिक करके इसे कार्डबोर्ड के पीसेस से साइड में अच्छे से पेस्ट कर लिया। ये बॉटम का थर्माकोल शीट को भी मैंने डिज़ाइनिंग पर्पस से ऊपर लगा लिया है। अब देखिए 3 उस साइड मैंने स्टोरेज बॉक्स बनाए हैं और 3 ये इस साइड स्टोरेज बॉक्स बनाए हैं। किसी नहीं देख पाओगे इसे मैंने किस तरह से बनाया, पूरा इसको भी पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। 3 स्टोरेज बॉक्स इस साइड आ गए हैं। नीचे का पोर्शन पे ऐसे ही कार्डबोर्ड से कवर कर दूंगी। अब उसके बाद ये न्यूज़पेपर से इसको अच्छे से और स्ट्रॉन्ग, इसके सारे कॉर्नर एजेस सारे इजीली हाइट हो जाएं और ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए न्यूज़पेपर। और मेरा पेपर ग्लू, मैं इसमें मैंने फेविकॉल नहीं यूज़ किया है, एक्चुअली फेविकॉल बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो मेरी होममेड ग्लू है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के संग जल्दी शेयर करूँगी कि जो क्राफ्टर्स होते हैं उनके लिए फेविकॉल से ज़्यादा ये ग्लू काम करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और चीप एंड बेस्ट। देखिए मैंने अपनी इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसकी रेसिपी जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं ये ग्लू बनाती हूँ। इसी तरह से मैं पूरे इसको न्यूज़पेपर से कवर कर दूँगी अच्छे से,
से स्ट्रांग हो जाए, उसके सारे जो भी कार्डबोर्ड के हल्के हल्के एजेस, वैसे तो मैंने इसे कार्डबोर्ड की पट्टी से हाइड कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो रह गए हैं उन्हें अच्छे से कवर हो जाएंगे। अरे देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा, फिनिशिंग फॉर द फिनिशिंग पर्पस। देखिए इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से एक एक कुछ भी कॉर्नर में छोड़ेगा। अब सेम ऐसे ही जो स्टोरेज बॉक्सेस बनाए इनको भी हम ऐसे ही न्यूज़पेपर से कवर करेंगे, इसे थोड़े स्ट्रांग हो जाए और अच्छे लगे। सारे कॉर्नर्स वगैरह को सबको कंप्लीट हाइड करेंगे हम। कंप्लीट होने के बाद मैंने इस पे जो सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर आते हैं, मैंने मोदन कलर का मंगा रखा था, पहले उस पे पूरा वो पेस्ट कर दिया। और जो रिमेनिंग पार्ट था इस पे मैंने ये मेरा होममेड जेसो से प्राइमर भी बोल सकते हैं, ये होममेड है मेरा, ये मैंने वो अच्छे से इस पर लिया, जैसे कि कलर करने में स्मूथ हो और ये बहुत अच्छा लगेगा फिनिशिंग के लिए। फॉर द फिनिशिंग पर्पज़ मैंने इस पे होममेड जेसो अप्लाई किया पूरे उस पे। ये सारी अच्छे से आप अप्लाई करेंगे, इसकी वीडियो भी मैं जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसे बनाना बहुत इजी है और ये आपके जितने भी क्राफ्ट वर्क होते हैं प्रोजेक्ट, इसे ने और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब इसमें तो कार्डबोर्ड पीसेस पर भी हम कोई भी पेंटिंग बनाए उससे पहले अगर इसे अप्लाई कर लेते हैं तो वो पेंटिंग बहुत अच्छी स्मूथ एंड फिनिशिंग के साथ बनती है। सारे पीसेस पे इसी तरह से हम इसे अप्लाई करेंगे कि कुछ इस तरह का लग रहा है ये। इसे कंप्लीट होने के बाद अब हम इस पे डिज़ाइनिंग करेंगे। ये मेरे पास मैक्रोन की मैंने एक वॉल हैंगिंग बनाई थी, मैक्रीम वॉल हैंगिंग, ये उसके पीसेस पड़े थे, मैंने उसके पीसेस को मैक्रोम डोरी से इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है हॉट ग्लू गन की हेल्प से। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसलिए थोड़ा पेशेंस, पर प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा क्या, और इंस्पायर होंगे आप भी बनाने के लिए। और एक बार अपने कार्डबोर्ड पुराने फेंकने से पहले ज़रूर चाहेंगे कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव किया जाए। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैंने इसके हैंडल जो हैं ये भी मैंने ही बनाए हैं, ये इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड ज़रूर कर दूँगी कि मैंने कैसे बनाई। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वो उसके साथ नहीं डाली। कलर करने के बाद ये मैंने पूरा ब्लैक पेंट कर दिया और रिमेनिंग इस पे मैंने लिपन और रिलीफ आर्ट की है। और ये इसके हैंडल बनाए हैं, ये मोल्डेड क्ले से बनाए हैं, बट वीडियो बहुत लेंथी होने की वजह से मैंने ये सारी चीज़ें अपलोड नहीं किया है, बट नेक्स्ट अलग सेपरेट एक लिपन एंड रिलीफ आर्ट की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखिए लग रही है ना सुंदर, कोई नहीं कह सकता कि कार्डबोर्ड की बनी है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।